नमस्कार, मैं कनिष्का और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आसपास की खबरों से आप अनजान न रहें। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं व जनप्रतिनिधियों को जनसेवा का सच्चा पाठ पढ़ाती है। यही कारण है कि भाजपा के जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल के पाँचों बरस जनता व क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। 21 फरवरी को रानीबाग की 6 गलियों में RAMC डलवाकर गलियों के पुनः निर्माण का कार्य उद्घाटन स्थानीय निगम पार्षद एवं भाजपा नेत्री वंदना जेटली द्वारा किया गया। 9,94,000 रुपये की लागत से कार्य कराए जाने वाले इस कार्य को पूरा होने से स्थानीय निवासियों को काफ़ी सुविधा होगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता व निगम पार्षद वंदना जेटली द्वारा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए कराए जाने वाले विकास कार्यों की कड़ी का यह काफ़ी अहम है, जिसकी मांग काफ़ी समय से स्थानीय नागरिकों द्वारा की जा रही थी। यहाँ पर क्या उद्घाटन किया? यहाँ पर हमने गलियों का मुहूर्त किया, गलियों का उद्घाटन किया है। बहुत खस्ता हालत में गलियाँ थी हमारे रानीबाग की, जिनका हमने उद्घाटन किया। जितने हमारे पास फंड था, हमने पूरा फंड बड़े ही अच्छे ढंग से डिवाइड करके गलियों में लगा दिया। आपके क्षेत्र में विधायक जी बोलते रहते हैं कि हमें MCD NOC नहीं देता कोई भी काम करने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, NOC लेते क्यों हैं वो? NOC क्यों मांगते हैं वो? कोई काम हो NOC दे दो। कोई ये अहम हो गया ना, इसका मतलब ये दिखावा हो गया। काम नहीं करना, दिखावा करना है और झूठे वादे करने हैं, वो चाहते हैं। यहाँ पर सीवर इतनी बुरी हालत है, मैं देख के कह रही हूँ कि लोग बेचारे कैसे रहते होंगे। इतनी स्मेल है सीवर की, इतना बुरा हाल है, गंदा पानी पीने पे मजबूर हुए पड़े हैं लोग। ये हालात है यहाँ पर सीवर के, और उनके पास भेज जाते हैं लोग क्षेत्र के अपनी लेटर लेके या कंप्लेंट करने, तो उनको बोला जाता है जी जेटली जी से बात करो, ये काम उनका है। सीवर का काम और जल का काम भी हमारा, तो हमें NOC दे दें, हमें फंड दे दें, हम करते हैं। हम तो मना नहीं करेंगे किसी भी काम को। वो हमारे से वो मांगते हैं जो उनके प्रोटोकॉल में ही नहीं है, फिर भी वो मांगते हैं। लेकिन सीवर और ये अगर वो नहीं कर सकते तो हमें दे दें, और हमें अथॉरिटी दे दें, हमें फंड दे दें, हम करा देंगे। हम बहुत बढ़िया से कराएंगे और खड़े होके कराएंगे काम को, क्योंकि हमारी जनता परेशान है, हम जनता को परेशान नहीं देख सकते हैं। केजरीवाल जी हर मंच से बोलते हैं कि मैं BJP वाले मोदी जी काम करने नहीं देते, क्या देखती हैं आप, किस रूप में देखती हैं? काम करने नहीं देते या काम करते नहीं, वो भाषा फर्क है ना। अब वो तो ये तो कह नहीं सकते कि हमने कोई काम नहीं किया 4 सालों में, तो वो यही कहेंगे ना, काम करने नहीं देते। क्या काम नहीं करने दिया? हमारी आयुष्मान स्कीम जो 5-5 लाख रुपए गरीबों को मिलनी चाहिए, वो स्कीम तो उन्होंने बनने नहीं दी। एक मेट्रो मेरठ तक जानी है, वो फाइल तो इसने पास नहीं किया, 1 साल हो गया, ताकि दिल्ली पे लोग कम रहें, वहाँ जाके रहें, आने जाना कर लें, लोगों को दिल्ली को राहत मिल जाए, वो तो उन्होंने करने नहीं दिया। और काम बताएं ना, कौन सा काम किया उन्होंने? एक सीवर तो क्षेत्र के साफ नहीं कर सके, जल तो पानी तो जो कहते हैं पानी फ्री बिजली फ्री, पानी तो फ्री का ढंग का पिला नहीं सकते, तो ये क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ बोल रहे हैं। हमने स्कूल बना दिया, हमने ये बना दिया, स्कूलों का क्या किया? पुरानी दीवारों को खरोच के उसको दोबारा प्लस्तर करा के, और उसके लिए कहा गया कि हमने इतने कमरे बना दिए गए हैं पुरानी दीवारों को खरोच के। एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज नहीं बनाया, जो कहते थे कि हम इतने स्कूल इतने कॉलेज बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया। सिर्फ झूठे और गंदे वादे करते हैं, जो वादों से दुनिया नहीं चलती, हकीकत से दुनिया चलती है, काम से दुनिया चलती है। यहाँ जो हालात हैं बहुत ही गलत हैं, जो त्रस्त हैं लोग पानी पीने से, गंदा पानी पी रहे हैं, और इसका जो एक खेमा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल और सत्येंद्र जैन पे जाता है। वही भाजपा नेता शशि जेटली स्थानीय विधायक सत्येंद्र जैन पर PWD में हो रहे भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कह रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। एक ना नाला बन रहा है, जिसका शिलान्यास सत्येंद्र जैन जी ने किया है। आप सब यहाँ सुन रहे हैं मेरी बात, शिलान्यास उसको कहते हैं जो नया काम होना हो।
भी आज शिला रख दी, नया काम होगा, गलत तो नहीं कह रहा। आप जाके देख लो, वीनस और डिपार्टमेंट के आगे एक पत्थर लगा रखा, उसमें लिखा हुआ है शिलान्यास भाई सतिंदर जैन MLA, नाले के लिए लिखा हुआ है। मेरे को शर्म से कहना पड़ रहा है आपके माध्यम से, वो पुराने नाले को रिपेयर कर रहे हैं, पुराने जो स्लैब पड़ी थी उसको उठा के उसके ऊपर लेंटर डाल रहे हैं। मेरे पास वीडियो है, कल मैंने वीडियो बनाया वहाँ जाके, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और ठेकेदार वगैरह वहाँ से भाग गए। मैं कहा भैया आप लोगों का देखो, ये पैसा लग रहा है आप लोगों का ही है, ये पानी देना ये करना आप ही के तो पैसे दिया जा रहा है, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, आपके टैक्स का पैसा आता है तो इस्तेमाल होता है। वो सारा पुराना नाले के ऊपर स्लैब हटा के लेंटर डाला जा रहा है, वो कोई नाला नया नहीं बना। आपसे रिक्वेस्ट है पत्रकार जी, यहाँ अमीर से बात करने के बाद वहाँ आओ, वहाँ नाला बन रहा है, उसको चेक करो, उसकी वीडियो बनाओ और उसको सार्वजनिक करो, उस भ्रष्टाचार को सार्वजनिक करो, उस ठेकेदार को बुला के उसका वो देखो, हमारी गली बनेगी, हमारे ठेकेदार को बुला लेना, भाई बताओ कितनी गली बन रही है, हमने सार्वजनिक पोस्टर लगाए हैं कि इतने इतने लाख में इतनी गलियाँ बन रही हैं, वो उसका ठेका चेक किया जाए, क्या ईंट लगनी है, क्या सीमेंट लगना है, क्या नीचे फर्श बनना है कि नहीं बनना, दीवार बननी कि नहीं बननी, आप उसकी जाँच करो पत्रकार जी। आप इतना बढ़िया पत्रकार हो, इतना बढ़िया लोगों की बात उजागर करते हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जनता का पैसा व्यर्थ ना जाए। मैं आपको जगह बता दी आपको, सेंटर स्कूल के साथ, नीलाम्बर के साथ, वीनस के साथ, वो नाला बन रहा है और नाले के ऊपर स्लैब डल रही हैं, और वो अंदर नाला नहीं बनाया गया, क्योंकि नाला बनाते हैं तो पता नहीं कब का कब बनाते। आपकी इसकी जांच करो, मैंने आपको जगह दिया बता दी, अभी हम यहाँ से वहीं आप चलो, वहाँ नाला चेक करो, हम आपके साथ चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनमत की पुकार न्यूज़।